किसी का नाम नहीं ले सकते, नाम लेना छोड़िए, इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम चुनाव के बाद तय करेंगे। शिवराज जी, आप सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे, और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बंबई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बीजेपी कह रही है कि लाडली बहना भारी तादाद में वोट कर रही है। हम देख लेंगे ना, तीन तारीख को भी आप मुझे मिलेंगे, ठीक है? सर, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि लीड बोल्ड होगा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पोता। क्या सर? बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि ग्रीन बोल्ड होगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बेटे। अब देखिए, ये तो तीन तारीख ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, कौन क्लीन बोल्ड हुआ, कौन रनआउट हुआ, सब बात सामने आ जाएगी। जेपी नड्डा कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस को सिर्फ सत्ता से प्यार है, ना धर्म से प्यार है, ना राम से प्यार है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं है, सच्चाई का चुनाव है, और अंत में सच्चाई की जीत होगी। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, ना मैं बीडी शर्मा हूँ कि ये कहना कितनी सीटें, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे कितनी सीटें आएंगी। सर, एक आखिरी सवाल था, नए भोपाल में कई बूथों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स नहीं है, क्या आप अभी बात करेंगे? मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, पर पूरे प्रदेश में मुझे जो जानकारी होगी, खास करके जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो मुझे फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या स्थिति है। सब बड़े खुश हैं, सब बड़े जोश में। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी तो 150 का दावा कर रहे हैं, आप इसको मानते हैं? मैंने कहा मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मेरा बस एक ही दावा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे, अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे।